मुझे भारत माता की इतनी ऊंची प्रतिमा देखकर एक डायलॉग याद आ रहा है। बोटिंग क्लब की नाव देखिए अपने आप इधर उधर पानी। हेलो एवरीवन, अभी हम हैं यहाँ पे नागपुर के रेलवे स्टेशन में। अभी हमको यहाँ से जाना है भोपाल, तो चलिए आपको भी लेके चलता हूँ अपने साथ में। ये दोस्तों नागपुर का मेन रेलवे स्टेशन, बर्डी का रेलवे स्टेशन बोलते हैं इसको। देखिए अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग लगती है पूरी देखने से, बहुत ज़बरदस्त इसको सजाया गया है। इधर पे ट्रेन का एक लोकल ट्रेन की कॉपी रख दी गई है और इधर भी एक ट्रेन की कॉपी है जिसमें हल्दीराम लोगों ने अपने दुकान लगा दिए हैं, ये देखिए। और दोस्तों ये हमारी ट्रेन भी आ गई। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भोपाल, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ। 5 साल हो गए लगभग, 5 साल पहले मैं यहीं पे था, इंजीनियरिंग यहीं से किया। अभी देखो कितना बदल गया है रानी कमलापति से। पहले इस जगह को हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है, देखिए। और दोस्तों अभी हम भोपाल आ गए हैं और देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए अपने को कैसा छतरी लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप जब भी आओगे तो ऑटो वाले वगैरह बहुत लोग पूछते रहते हैं, लेकिन देख लेना, पहले पता कर लेना किधर पे है। हमको तो पता है किधर किधर जाना है, इसलिए ऑटो वगैरह नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे भोपाल आए थे, मेन हमारा काम था बैंकिंग का। मेरा SBI का एक अकाउंट है, वो बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया हूँ उसे, तो लगता है वो इनएक्टिव हो चुका है, तो उसको एक्टिव कराने के लिए आया था। लेकिन जो पुराना जहाँ से मैंने अकाउंट खोला था वो SBI का बैंक ढूंढते ढूंढते ही हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो SBI बैंक का है किधर पे। जहाँ पे पहले एड्रेस था उसका वहाँ से हट गया है, और जबकि गूगल में वहीं का एड्रेस दिखा रहा है। देखते हैं पूछते पाछते चलते हैं फिर ढूंढते। तो अभी अपना काम निपट चुका है, तो अभी हम आए हैं मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जगह MP नगर, और MP नगर में भी DB मॉल। ये देखिए मेरे पीछे DB सिटी मॉल। मध्य प्रदेश में वैसे तो बहुत सारी रोचक जगह हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो भोपाल मेन राजधानी पड़ता है इसलिए, और भोपाल में अगर मेन जगह देखा जाए तो MP नगर, और MP नगर की शान है यहाँ की DB सिटी मॉल। तो इसी के सामने अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए पूरा DB सिटी मॉल है, और इसके सामने मेट्रो का भी काम चल रहा है। काफ़ी तीव्र गति से मेट्रो का काम हो रहा है, लगता है ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए कि 1-2 साल में लोग मेट्रो चलाना शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। ये है भोपाल हाट, भोपाल हाट कहा जाता है इसे, जहाँ पे विभिन्न मतलब मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, या तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है, या तो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों को लाके बेच सकता है। भोपाल हाट नाम से फेमस है, इसमें कई बार मेले का आयोजन भी किया जाता है यहाँ पर। और ये दोस्तों अभी हम आए हैं शौर्य स्मारक, जो कि मध्य प्रदेश में ये MP नगर में स्थित है। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए भी, और प्रेरणादायक है हमारे भारत देशवासियों के लिए भी। आइए चलिए देखते हैं। और ये मात्र 20 रुपये टिकट है यहाँ पे अंदर जाने के लिए, प्रति व्यक्ति 20 रुपये टिकट है लगता है। ये हम आ गए दोस्तों वार मेमोरियल शौर्य स्मारक के अंदर। ये देखिए मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, राहुल जोशी। भारत माता की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। मैं काफ़ी समय पहले यहाँ पे जब रहता था तब ये प्रतिमा यहाँ पर स्थित नहीं थी। ये बाकी चीज़ें तो थी, जैसे कि यहाँ पे एक गार्डन देख लीजिए, ये शौर्य स्मारक का पत्थर है ये भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी काफ़ी सालों बाद नया लग रहा है। तो ये प्रतिमा भारत माता की, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मुझे भारत माता की इतनी ऊँची प्रतिमा देख कर एक डायलॉग याद आ रहा है कि इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस देश के सरहद की निगहबान है आँखें। बहुत पुराना एक सीरियल था आँखें करके, उसमें ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। ये है दोस्तों शौर्य स्मारक का रंगमंच, जहाँ पे देशभक्ति से ओतप्रोत गाने, मूवी या तो फिर उससे संबंधित कोई भी चलचित्र दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे बैठने की फुल व्यवस्था है, यहाँ पे एक कहना चाहिए ऊपर से नीचे तक के लेवल में इन्होंने पूरा बना के रखा है यहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे अधिकतर शाम के समय में हर दिन, लगभग हर दिन ही यहाँ पे जो देशभक्ति से संबंधित चीज़ें हैं वो दिखाई जाती है। और इसके जस्ट सामने ही भारत माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। ये है वार मेमोरियल में ही युद्ध का रंगमंच, शाम के समय यहाँ पे मस्त लेजर शो होता है। अभी तो खैर दोपहर का समय है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इसलिए नहीं है,
शाम के समय बहुत अच्छा माहौल रहता है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों का नाम लिखा है जो हमारे भारत माता की रक्षा करते हुए बॉर्डर पे शहीद हो गए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें सभी शहीदों के आदरपूर्वक उनके निवास स्थान के साथ में और कहाँ पर वे शहीद हुए पूरे नाम लिखा हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख है यह शौर्य स्तंभ, जिसके ये पूरा शौर्य स्मारक बनाया गया है। प्रमुख तौर पर शौर्य स्तंभ को ही लक्षित करता है। इसके बाजू में ही यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यह है अनंत ज्वाला, यानी कि ये अग्नि ऐसी है जो जलती रहती है। यह एक भक्ति, देशभक्ति की अग्नि है जो कि पूरे भारतीयों के मन में हमेशा ये जलते रहती है। ये जो जूते आप देख पा रहे होंगे, ये जूते उन अमर शहीदों को समर्पित है जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे अपनी जान गंवा दी। हमारी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों अब हमारा ये शौर्य स्मारक का सफर यहीं तक के रहा। अभी हम नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऑटो रिक्शा से और ये देखिए ये न्यू मार्केट के पास में पहुँच गए हैं। पूरा एरिया है न्यू मार्केट का, ये पूरा एरिया है न्यू मार्केट, यहीं से शुरू होता है। न्यू मार्केट रोड है ये, यहाँ से जाते हैं अंदर और अंदर में ही मार्केट लगता है। न्यू मार्केट इसलिए क्योंकि पहले दूसरी जगह पे लगता था, फिर उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे लाया गया, इसलिए ये न्यू मार्केट कहलाता है। दोस्तों हम आ गए यहाँ पर भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मार्केट न्यू मार्केट, चलिए आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए न्यू मार्केट में पूरा मार्केट लगा हुआ है, डेली की दुकानें ये लगी रहती है हमेशा, लेकिन संडे के दिन फुल मार्केट रहता है, ज़्यादा भीड़ रहती है एकदम। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ रहती है। विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और दोस्तों हम जा रहे हैं अभी बड़े तालाब के लिए, लेकिन इधर कुछ सवारी हमको मिल नहीं रही थी, इसलिए पैदल पैदल ही जा रहे हैं। और ये खा रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, भुट्टा, भुट्टा पार्टी करते हुए जा रहे हैं पैदल पैदल। ज़्यादा दूर है नहीं है यहाँ से, चले जाएंगे। इस साइड में आपको पूरे मंत्री मंत्री के बंगलों ही मिलेंगे, मध्य प्रदेश शासन के जितने भी मंत्री विधायक उनके जो गवर्नमेंट क्वार्टर अलाव होता है उनको, वो सारे इधर पे ही हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं लेक व्यू, उस साइड में मुख्यमंत्री निवास भी है, वो भी आपको दिखाऊँगा। चलो देखते हैं। भोपाल की सड़कों पर इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई है, आप देखेंगे तो आपका एकदम मन भी बाग बाग हो जाएगा। ये देखिए ये होता है स्ट्रीट पेंटिंग, जकास जमा जम। ये पहुंच गए हम भोपाल की आन बान और शान, ये है बड़ा तालाब, ये देखिए। ये मेरे पीछे जो अभी आपने देखा, ये है भोपाल की सबसे बड़ी तालाब, इसको कहते हैं लेक व्यू। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, बोटिंग वगैरह है, आगे चल के आपको दिखाऊंगा सब। का मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। तो ये है दोस्तों बड़ा तालाब, इसके लिए ही मैं काफ़ी समय से देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि इधर आऊँ इधर आऊँ। ये देखिए ये जो स्पॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट, क्योंकि देखिए मैं जब यहाँ पे बैठता हूँ, जैसे यहाँ पे बैठता हूँ तो समुद्र की जैसे लहरें हमारी ओर आती है, वैसे ही यहाँ पे बड़े तालाब के पूरे पानी की जो लहर मारता है वो हमारी ओर आती है, और यहाँ से पूरा का पूरा एरिया दिखता है। इसलिए मुझे सबसे फेवरेट स्पॉट लगता है ये। जब मैं इंजीनियरिंग के 4 साल इसी भोपाल में रहा, तब अधिकतर समय पे जब भी मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा बोर लग रहा है या कुछ भी, तो यहीं आके बैठ जाता था। बहुत प्यारी जगह लगती है क्योंकि यहाँ पर पास में ही मंदिर है, देखिए आपको दिखाता हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ से। और इतना बड़ा जब पानी का क्षेत्र दिखता है अपने आप को, तो बहुत अलग ही अनुभव होता है, मुझे तो बहुत प्यारा अनुभव होता है। ये है दोस्तों तालाब, बड़े तालाब के पास लेक के पास राजा भोज सेतु, ये पूरा केबल सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जब जाती है तो ऐसा थोड़ा सस्पेंशन होता है, हिलता ही। बड़े तालाब पर ये बाईपास के तौर पर राजा भोज सेतु का निर्माण किया गया है, और यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन बनाया गया है, गाड़ी वालों के लिए अलग लेन बनाया गया है, दोनों साइड से पैदल वालों के लिए अलग लेन बनाया गया है, तो काफ़ी प्यारा लगता है ये एक नंबर। दोस्तों
और ये मैं चलते चलते आ पहुंचा हूँ वीआईपी रोड पे, वेरी इम्पोर्टेंट रोड। ये वीआईपी रोड है, ये एक मेन सिटी से बाईपास की तरह निकाला गया है जो कि पूरा लेक के किनारे किनारे ही होके जाता है। देखिए ये लेक है और इसके बाजू में ही है वीआईपी रोड। तो इसके ये सिटी से बाहर निकलता डायरेक्ट और इसके किनारे ही है राजा भोज जी की सबसे विशाल प्रतिमा। आपको छोटी दिख रही होगी यहाँ से, ये देखिए, ये अभी पास जाने पे और बड़ी होती जाएगी वो। और ये देखिए एमपी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर कि इन्होंने पूरा लेक के किनारे किनारे सोलर पैनल बिछा दिए है। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजली की आपूर्ति भी हो जाती है और जगह भी, दूसरा जगह भी नहीं घेरता, ये लेक के जस्ट ऊपर ही आ जाता है। ये देखिए इतना सारा पानी, देखने से ही पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। अरे बाबा। और ये दोस्तों फाइनली आ गया मैं राजा भोज की मूर्ति के पास। यहाँ पे उनके इतिहास के बारे में कुछ लिखा हुआ है और ये रही उनकी मूर्ति। अब देखिए इसकी साइज है, तालाब में भी पूरा अंदर तक के बेस बना हुआ है, उसके ऊपर इनकी मूर्ति इस प्रकार रखी हुई है। और एक आदमी देखिए ये मछली पकड़ता हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गया कैसे कैसे होगा वहाँ पर, वहाँ तक। अरे नहीं, टायर का जो ट्यूब होता है उसके द्वारा पहुँचा होगा लगता है वहाँ तक के, और उसके बाद मछली पकड़ रहा है बीच में जाकर। और ये दोस्तों अभी आया हूँ मैं गौहर महल, भोपाल की बेगम गौहर उनका ये महल है, काफ़ी पुराना है। चलिए देखते हैं। पहले के समय में भी देखिए कितनी ज़बरदस्त नक्काशियाँ होती थी। बेगम गौहर जो कि भोपाल की बेगम भी थी, उन्होंने ये महल बनवाया है। इधर पे मस्जिद है और ये बाकी पूरा महल का हिस्सा है। यहाँ पे इंडियन टी हाउस का भी एक दुकान है यहाँ पर, देखते हैं ऊपर। ये देखिए ये है इसका मेन गेट, यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता है। पूरा महल अभी देखिए, अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी है और दूसरी चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने के लिए जगह बना दी गई है। रोड भी निकल गया इधर उधर से, तो अभी ये उतना समझ नहीं आता। बाकी पहले के समय में अपने शानो शौकत के लिए यह महल काफ़ी रोचक और बहुत खूबसूरत था। ये देखिए भोपाल के पहले के समय के जो बिल्डिंगे है काफ़ी नक्काशीदार बनाई गई है, क्योंकि नवाबों का शहर था, उन्हें डिज़ाइनों में रहना पसंद था, इसलिए बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनों के द्वारा पूरी बिल्डिंगों को बनाई गई है। चोकोबार खा रहा हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ऐसा उमस चल रही है यहाँ पर। आज पानी आया सुबह में और उसके बाद अभी धूप निकल गया, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाया जाए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं हूँ राजा भोज सेतु पर और ये देखिए मौसम, आज तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा तालाब का पूरा पेट ही भर जाएगा आज पानी में, इतना पानी आएगा आज। पूरा मौसम एकदम खतरनाक बना हुआ है और तालाब में लहरें भी इतनी ज़बरदस्त मार रही है। आप देखेंगे मेरे हाथ में मोबाइल पीछे होता जा रहा है, एकदम धक्का मार रहा है होगा मुझे। ये मैं आ गया दोस्तों रानी कमलापति महल, इसका पार्क भी है और ये महल वाला एरिया है। चलिए आपको महल दिखाता हूँ। ये है कमलापति महल, रानी कमलापति महल, जो कि हबीबगंज स्टेशन का नाम जिस रानी के नाम पे रखा गया है वही रानी कमलापति जी का यह महल है। उनके पति ने उनके लिए यहाँ लेक जो बड़ा तालाब है उसके किनारे यहाँ पर उनके लिए एक महल बनवाया था। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये रहा उनका महल, दो मंजिला महल है और इसके नीचे भी अद्भुत व्यवस्था है यहाँ पर नहाने की। ये देखिए बादशाहों के ज़माने की तोपें ऐसी रहती थी, पहले की तोपें, मारो दागो और भूल जाओ। ये जो आपको जो नीचे दिख रहा है ये पहले के समय में रानी के नहाने के लिए बावड़ी जैसे बनाया गया था। बावड़ी मतलब तालाब ही है लेकिन वहाँ पे नहाने का एक कक्ष भी था। और अभी यहाँ पे प्रवेश निषेध कर दिया गया है क्योंकि कैसा बारिश के समय में मिट्टी वगैरह भसकती है और दूसरी चीज़ें यहाँ पर पानी भी ज़्यादा है। और ये देखिए सबसे अद्भुत चीज़, केबल ब्रिज, सस्पेंशन केबल ब्रिज इस तालाब के पास पार जाने के लिए। और ये देखिए रानी कमलापति देवी की मूर्ति भी बनाई गई है, ये देखिए रानी कमलापति देवी की मूर्ति है और ये है केबल सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर बड़े तालाब के पास और ये सबसे फेमस जगह बोटिंग क्लब। ये देखिए पानी भी बहुत आ रहा है,
बोटिंग क्लब की नाव देखिए अपने आप इधर उधर पानी में जा रही है, हवा भी आ रहा है उसके साथ साथ पानी भी आ रहा है। मैं तो छतरी लेके आया हूँ इधर पे। और ये देखिए यहीं पे है, ये तोप का नमूना यहाँ पर रखा गया है। ये दोस्तों मुख्यमंत्री निवास, ये पूरा इतना एरिया बंगला इनका है, मुख्यमंत्री निवास कहते हैं इसको, पूरा का पूरा एरिया इतना। ये जस्ट लेक के जस्ट ऊपर ही है। ये दोस्तों भारत भवन, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोकनाट्य होता है जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है।